कि यार इट वॉज नेवर अबाउट द BMW और द मनी और अबाउट डूइंग, इट वॉज ऑलवेज अबाउट बींग देयर। प्रवचन शुरू किया गया। एक सिंपल तरीका लाइफ के प्रोसेसेस को समझने का, आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर एट, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपकी लाइफ के साथ हैप्पीनेस क्या है, उसको समझने का एक कंप्रेस्ड वर्जन जो एक्यूरेट नहीं है, सिंप्लीफाइड है, ओवर सिंप्लीफाइड है, बट इफेक्टिव है। हम सिंप्लीफाई करते हैं जब एक आइडिया को, हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि जितना हम सिंप्लीफाई करें, जितनी हम डिटेल्स निकालें, उससे ज़्यादा बेनिफिट आए, और ये जो एक आइडिया है उस कैटेगरी में फॉल करता है। और ये आइडिया लाइफ को समझने का बेसिकली ये है, आपके यू गो थ्रू 3 stages इन लाइफ इफ यू डू लाइफ राइट, 3 different stages। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई नॉट हैव। वो एक आइडेंटिटी स्टेज है जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे हो विद व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। द सेकंड इज व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग, एंड द थर्ड इज प्योरली बींग। सो द थर्ड इज प्योरली बींग, राइट? एंड हाउ डज दिस वर्क? पीपल हु लिव इन द व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई डोंट हैव, व्हाट डू आई नॉट हैव, इस वाले डिलेमा के साथ रहते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं चाहता हूँ लोग मेरे बारे में ऐसे सोचें, मेरे बारे में भी ऐसे सोचते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। डिजायर के स्टेज में रहते हैं जो लोग, डिजायर में, वो लाइफ मिजरेबल है, वो लाइफ मिजरी है। दिस इज वेयर ऑल ऑफ अस बिगिन। द फर्स्ट टाइम वी आर सेक्सुअली अवेकन्ड, द फर्स्ट टाइम वी अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड्स कॉम्पिटिशन। क्योंकि जो अडोलसेंस में जब आपको सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, तब आप समझते हो कि लाइफ में ये कॉम्पिटिशन है क्या। दैट इज वेन योर माइंड स्टार्ट्स टू गो इन दैट द बायोलॉजिकल डायरेक्शन। तब आप रियलाइज करते हो आपके पास क्या है क्या नहीं है, एंड यू आर मिजरेबल एट फर्स्ट। You're miserable, no matter what side of the spectrum. अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो भी आप miserable हो, क्योंकि आपको और चाहिए, आपको, आप उस टाइम इस स्टेज में हो। फिर कुछ लोग यहाँ से छट के निकलते हैं जो रियलाइज़ करते हैं कि यार देखो ऐसा है, जो है जो नहीं है उसमें कुछ नहीं रखा। इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग एक्शन, विच इज़ वॉट आई प्रीच अलॉट, एंड आई टेल यू आई प्रीच दैट अलॉट। और ये लोग जो चीज़ें वो करते हैं उसमें प्राइड ढूंढते हैं। मैं जिम जाता हूँ, मैं हसल करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं विजडम परस्यू करता हूँ, राइट? Then they find a sense of self with what they do. और यहां पर discomfort है। When you do something, वहां pain है, discomfort है, actual दर्द है, क्योंकि you are going against the tide of nature's chaos. आप nature में जो inbuilt chaos है, that is going to stop you from creating order, उसके against जा रहे हो, तो दर्द है, वहां बहुत दर्द है, वो discomfort है। And then eventually, when you've done enough, you break through to the point where you realize that actual rewards lie in not trying. That is when you start being. अब आप इसको किसी भी तरीके से अप्रोच कर लो। Now you can approach it in any sense possible. मेरे पास फलानी गाड़ी है, फलानी गाड़ी नहीं है, मेरे को BMW चाहिए, I am miserable, so I start doing something, right? I start making money, और मैं वहाँ खुश हो जाता हूँ। Eventually I realize, BMW आ जाने के बाद या कभी भी लाइफ में, कि यार it was never about the BMW or the money or about doing. It was always about being there. लोगों के जब बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? Now you are looking at yourself from your children's eyes. तो वो सोबर अप हो जाते हैं, तो वो वापस अपना बचपन की, जो उनकी बचपन की क्लेनलीनेस होती है ना, साफ मन होता है बचपन का, वो वापस आ जाता है। वहाँ पे वो सोबर अप हो जाते हैं, वहाँ वो रियलाइज़ करते हैं यार, अरे यार, या कोई और ट्रेजेडी हो जाती है या कुछ सेपरेशन हो जाती है, लोग रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सीन क्या है, कि इट इज़ ऑल अबाउट बींग। और ये आप, यू कैन टेक 40 years टू लर्न दिस, और यू कैन लर्न दिस राइट नाउ, एंड द वे यू लर्न इट राइट नाउ इज बाय एक्शन। एंड हाउ, हाउ इज दैट बाय एक्शन? मोस्ट ऑफ यू एग्जिस्ट ऑन द बॉटम लेयर, लेट्स बी रियल, मोस्ट ऑफ यू आर सीकिंग समथिंग, वांटिंग समथिंग, डिजायरिंग समथिंग। ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट एक्टिंग, दैट विल ब्रेक यू थ्रू level 1, level 2 में ले जाएगा, और वहां पे तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा, और फिर उस एक्शन को रिपीट करो तब तक जब तक वो डिस्कम्फर्ट कम्फर्ट ना बन जाए। फिर अगर आपको एक्शन परस्यू करना है उसके बाद भी, तो फाइंड समथिंग एल्स दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लेवल अप फ्रॉम दिस स्टेज ऑफ डिजायरिंग टू द स्टेज ऑफ डूइंग इज अप्रोचिंग ऑल योर फियर्स एंड ऑल योर शेम्स। आप एक्टिवली डिस्कम्फर्ट ढूंढो लाइफ में, आपको अपने बारे में पता लगने लगेंगी चीजें, यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट रियालिटी एंड यू एंड द कनेक्शन यू हैव विद रियालिटी एंड यू। दैट इज वेन यू आर डूइंग। डूइंग विल इन्वॉल्व एक्चुअल डिस्कम्फर्ट, बी दैट मेडिटेटिंग, बी दैट रेसलिंग, जो भी करोगे ना उसमें दर्द होगा, होगा 100%, तभी वो वर्थ इट बनेगा। और फिर आप उस डूइंग से अपना सेंस ऑफ प्लेजर लेना छोड़ दोगे, फिर यू विल फाइंड इट फ्रॉम जस्ट बीइंग, और तब डूइंग भी आसान हो जाएगा, और जो आप डिजायर करते हो वो मिल भी जाएगा।
ये सिंपल फंडा है टू ब्रेक थ्रू द स्टेट ऑफ मिजरी. जब सबसे कम मोमेंटम होता है बॉडी में, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग. दैट विल पुश यू टू द डिस्कम्फर्ट लेयर, द डूइंग लेयर. और उस डूइंग लेयर में यू हैव टू कंटिन्यू एंड परसिस्ट टिल यू फाइंड द बीइंग लेयर. बट इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग इन द डूइंग लेयर, क्योंकि डूइंग लेयर भी अपने सेंस में बहुत फन है. कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटिंग, फाइंड न्यू वेज टू मेक योर सेल्फ अनकंफर्टेबल. दैट्स इट.